बागन नहीं बेला नहीं नहीं नदी किसे देश वो दुनिया कैसे बसे जहां संत नहीं परवेश गरीब है साधु माई बाप है साथ तो भाई बंदे साथ मिला है राम से काटे जम के बंदे बिना धनी की बंदगी सुख नहीं लोगे चरण कमल के ध्यान से गरीब गदा से संतोष उपस्थित संत मंडली सदगृहस्थ माता बहनों आज बंसोड महाराज आचार्य सतगुरुदेव की कृपा से महाराज गुरुवालों के इस प्रथम पड़ाव बनाने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उससे मैं अपने नजरों को धन्य समझता हूँ और इसके साथ साथ ब्रह्मलीन स्वामी विवेकानंद महाराज के प्रति बहुत ही धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि उन्हीं के निमित्त उन्हीं के कारण उन्हीं के माध्यम से आज मुझे सतगुरु महाराज गुरुवालों के पड़ाव पर आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज वैसे जहां पर सरकार आचार्य की वाणी के पाठ का प्रकाश होता है वहां पर सर्वत्र खुशी ही खुशी होती है लेकिन जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ है कि स्वामी गंगानंद महाराज प्रति वर्ष यहाँ पर आकर इस सदगुरु के पाठ के आयोजन का और इस प्रकार से भंडारे का प्रोग्राम किया करते थे तो आज उनकी कमी बहुत ही ज्यादा घटी है। हमारे गुरुदासी संप्रदाय के गंगानंद जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने महाराज की वाणी के प्रचार प्रसार में जो सहयोग दिया जो योगदान दिया वो न तो आज गुरुदासी संप्रदाय के किसी संत ने दिया है और न ही आगे ऐसी आशा की जाती है कि ऐसे पुरुषार्थ की ऐसे से मर्मत फिर से होंगे क्योंकि आचार्य जी की वाणी को अर्थ रूप में और अन्य रूप में प्रांत के हर हर गांव में हर हर मोहल्ले में जा जा कर वाणी का प्रकाश करेंगे और लोगों को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। बंदिशोर महाराज वाणी में फरमाते हैं गरीबी जूनी संकट मेरे हूँ जे बिसरे नहीं होए जिन संसारी की धरी नहीं छुड़ाऊं तो हे कि जो यह हमें मनुष्य का जन्म मिला है इस जन्म को प्राप्त करके यदि हम पूर्ण रूप से संसारी वृत्तियों में चले जाते हैं तो हमारी मुक्ति नहीं होती हम यही जाल के काल के कर्म में फंसे रहे हैं। अगर हम अपने समय में से थोड़ा सा समय में भी बहुत भजन के लिए निकाला लें साधुओं की सेवा करें शुभ कर्म करें तभी भी हमारा जन्म धन्य हो सकता है। हमारे गुरुदासी संप्रदाय के गंगानंद जी महाराज एक ऐसे संत थे जिनके कारण गुरुदासी संप्रदाय के साधुओं को बड़ी ही हिम्मत थी सारी संगत को बहुत ही प्रेरणा थी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में अखंड पाठ की परंपरा चलाई और अपने अंतिम समय में तक उसको कायम रखा इसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं। जैसे कि मुझे पता चलता है कि वो लगातार रात को 2 बजे तक सतगुरु महाराज का भजन कीर्तन किया करते थे और सुबह 3 बजे और फिर से ब्रह्म वेदी का पाठ शुरू कर दिया करते थे। तो ऐसे अनभय और अनचक संत होने की और किसी से कम ही आशा की जाती है। महाराज गुरुवाले इस पड़ाव पर
सबसे पहले इस पड़ाव के लिए उन्होंने संगत को प्रेरणा दी। यहाँ पर रहकर उन्होंने बहुत बहुत तपस्या की। ऐसे स्थान पर आकर हम सब अपने जनों को धन्य समझते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने सदगुरु गुरुवार वालों की संगत को दोबारा से चेतन किया। भूले से लोगों को जगाने के लिए महाराज गुरुवार वाले हर हर पड़ाव पर जा 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 कर अखंड पाठ किए, संगत को प्रेरणा दी। अब उनके नश्वर शरीर को त्यागने के बाद उनकी कमी शारीरिक रूप से हमें अवश्य ही प्रतीत होती है, लेकिन आप लोग जैसे कि समागम में आए हैं तो ये उनके प्रतिष्ठा और प्रेम का प्रतीक है कि उनके शरीर को छोड़ने के बाद भी उनकी प्रेमी संगत और संत मंडली जो जो भी उनका प्रेम रखती थी आज भी उसी प्रकार से उन द्वारा चलाए गए आयोजनों में शामिल है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं तो संगत से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसा भी हमारे स्वामी गंगानंद जी महाराज अखंड पाठ का जो आयोजन कर गए, जिस स्थान पर जिन्हें मिली वो दिन मुकर्र कर गए, सारी संगत को बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उसी प्रकार से आगे भी इन प्रोग्रामों को कायम रखा है, क्योंकि स्वामी गंगानंद जी महाराज की अपनी इतनी श्रद्धा थी कि लगातार बाणी के पाठ हो रहा ही जनता का कल्याण करने के इच्छुक थे। और इसीलिए उन्होंने हर इलाके में गरीबी में आदरणीय अखंड पाठ लाए। थोड़े से समय में जाकर उन्होंने उन गरीबों के घर में जाकर सदगुरु की बाणी का पाठ किया, जिनके घर में इन भंडारों का अखंड पाठों का आयोजन इसी प्रकार से चलता रहे ताकि हमें लगे कि महाराज गंगानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी संगत में वही प्रेरणा है जो अपने जीवन काल में गए, वही श्रद्धा है जो उनके शरीर में रहते हुए होती थी। महाराज गुरुवार के स्थान पर आप लोगों ने जन्म लिया, ये आप लोगों के लिए बड़े शुभ कर्मों की ही बात है, क्योंकि आज ऐसे श्री अंबानी बैठे हैं। गरीब धन नलिनी भूमि में धन धन नलिनी धन धन नलिनी कुल कुल धन साधु परवेश। तो आप इस नगर में तो परम पूजनीय महाराज गुरुवार वाले ने आकर तपस्या की, लोगों को सद्गुरु दे दिया, तो आप लोग तो बड़े ही पुण्य के भागी हैं। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि महाराज के बताए हुए वचनों को चलने की पूरी कोशिश करें, उन द्वारा बताए गए वाक्यों को चलने का भरपूर प्रयास करें, और जो भी कोई बुराई है उसको त्याग कर सद्मार्ग पर चलने की कोशिश करें। जैसे कि आचार्य श्री अभी अंबानी फरमाते हैं।